स्ट्रक्चर चार्ट्स की बात कर रहे हैं आज। स्ट्रक्चर चार्ट्स, इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर चार्ट होते क्या हैं, फिर इनका यूज देखेंगे, सिंबल्स देखेंगे और कैसे इसे बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर चार्ट्स क्या है। स्ट्रक्चर चार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में एक चार्ट है जो आपको ब्रेकडाउन दिखाते हैं सिस्टम का उस लेवल तक जहां तक आप मैनेज कर सके। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में उपयोग करते हैं हम इसका, स्ट्रक्चर चार्ट का। और इसमें हम क्या करते हैं, जो मॉड्यूल्स हैं उनको हम ट्री स्ट्रक्चर में दर्शाते हैं। ऐसे हर एक मॉड्यूल बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट होता है और हर एक मॉड्यूल का एक नाम होता है। अगर दूसरी तरीके से देखें तो स्ट्रक्चर चार्ट एक चार्ट है जो डीएफडी से डिराइव किया जाता है, डेटा फ्लो डायग्राम से, और इसको डीएफडी से और डिटेल में दिखाया जाता है और डिटेल में बताया जाता है। ये पूरे सिस्टम को और लोएस्ट लेवल पे फंक्शन मॉड्यूल्स पे डिवाइड करता है, डिस्क्राइब करता है फंक्शन को, उसके सब फंक्शंस हैं उसको डिफाइन करता है। तो जितने भी डिटेल में डिफाइन किया जा सके, डिस्क्राइब किया जा सके डीएफडी से भी अधिक, उसे हम स्ट्रक्चर चार्ट कहते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर एनालिसिस और सॉफ्टवेयर डिजाइन जब आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस में आप डीएफडी बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन में आप स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं। तो एक तरीके से आप डिजाइन बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर चार्ट एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है मॉड्यूल का, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं, और हर एक लेयर में कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क किया जाता है, काम किया जाता है। तो हम इसमें फंक्शन और सब फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं हर एक पार्ट के सिस्टम का, जिसे हम कहते हैं कि और डिटेल में डीएफडी से दिखाया जा रहा है। इसमें जो मॉड्यूल्स हैं उनके रिलेशनशिप दिखाएंगे, जो कॉमन और यूनिक मॉड्यूल्स हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में, उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाए जाएंगे। हायरार्किकल स्ट्रक्चर यानी कि मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, हर एक फंक्शन एक स्पेसिफाइड काम कर रहा है, उसके नीचे अलग मॉड्यूल्स हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। तो हर एक लेयर जो आप इसमें देखेंगे वो कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। और हर एक मॉड्यूल, देखिए ये लेयर ही नहीं बल्कि जो मॉड्यूल है वो भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक बार बार आ रहा है। इसका मतलब कि उनकी जो हम आगे जब कोहेजन कपलिंग देखने वाले हैं तो कोहेजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर चार्ट में सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं, इसमें मॉड्यूल्स है जिसे हम सिक्वेंशियल लॉजिक दिखाएंगे, कंडीशंस में हम डिसीजन लॉजिक दिखाएंगे, लूप से हम इटरेटिव लॉजिक दिखाएंगे, और डेटा कपल्स है साथ में कंट्रोल कपल्स है। ये स्ट्रक्चर चार्ट में मॉड्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ। मॉड्यूल जो है वो रेक्टेंगल से दिखाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर मॉड्यूल, जो चार मॉड्यूल आपको दिख रहे हैं, ये आपको किसमें दिखाए गए हैं, रेक्टेंगल में, जिसे हम प्रोग्राम या सब रूटीन भी कहते हैं। जो कंट्रोल मॉड्यूल है, ये कंट्रोल मॉड्यूल है आपका, जिसे मेन लाइन कहते हैं, और ये ब्रांच बना रहा है सब मॉड्यूल में। ये देखिए तीन इसके सब मॉड्यूल है। इसमें एक मॉड्यूल देखिएगा जिस रेक्टेंगल के आखिर में दो ये लाइंस है, इसे हम लाइब्रेरी मॉड्यूल कहते हैं। ये लाइब्रेरी मॉड्यूल कहीं लाइब्रेरी से लिया गया है, रियूजेबल है, और ये इन्वोक किया जा सकता है कहीं किसी भी जगह से। जो कंट्रोल यहाँ से हो सकता है, कहीं और से भी इसको कॉल किया जा सकता है। तो इस तरीके से मॉड्यूल दिखाते हैं। नंबर ध्यान दिखेगा मॉड्यूल का, वन यहाँ पर है, यहाँ पर 1.1 है, 1.2 है, क्योंकि इसी के सब फंक्शन है। इस मेन कंट्रोल मॉड्यूल के जो सब मॉड्यूल्स हैं वो 1.2, 1.1 इस तरीके से दर्शाए जाएंगे। अब डेटा कपल की बात करते हैं। डेटा कपल में क्या होता है, डेटा कपल को हम इस तरीके से दिखाते हैं, एरो और यहाँ पर गोल यानी कि एम्प्टी सर्कल। ये दिखाता है कि डेटा एक मॉड्यूल से दूसरे में कैसे पास हो रहा है। जैसे अगर मेन कस्टमर डेटा के बारे में बात करेंगे तो ये भेजेगा कस्टमर नंबर किसको, लुकअप कस्टमर नेम को। अब कस्टमर नेम जब मिल जाएगा तो कस्टमर नेम वापस भेज दिया जाएगा। तो ये देखिए डेटा कपल इस तरीके से दर्शाया जाता है। कंट्रोल कपल की बात करें तो ये एक एरो दिखाया जाता है इस तरीके से। इसके आगे यहाँ पर जो एंड होगा ये फील्ड सर्कल होगा, भरा हुआ सर्कल होगा। ये एक मैसेज है, एक फ्लैग है जो एक मॉड्यूल दूसरे को भेजता है किस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ये अकाउंट मॉड्यूल है। एक बार जब मेंटेन कस्टमर डेटा ने कस्टमर चार्जेस भेजे अपडेट कस्टमर फाइल को, तो ये वापस में क्या भेज रहा है, एक फ्लैग भेज रहा है कि देखिए साहब ये अकाउंट ओवरड्यू है। तो इसको कैसे करते हैं, कंट्रोल कपल को इस तरीके से दिखाते हैं। ये आपका कंट्रोल कपल होगा। इस तरीके से कंडीशन होती है, कंडीशन को हम किसे दिखाते हैं, डायमंड से। अब देखिए अगर हमको सॉर्ट करना है इन्वेंट्री आइटम को तो हम पार्ट नेम से भी कर सकते हैं, पार्ट नंबर से भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री नेम वैल्यू इन्वेंट्री वैल्यू से भी कर सकते हैं। तो जहां पर आपकी कंट्रोल मॉड्यूल जो आपको दिख रहा है, ये सबॉर्डिनेट मॉड्यूल का किसी तरीके से इन्वोकेशन दिखाएगा किसी कंडीशन बेस पे, किसी ना किसी कंडीशन बेस पे। तो इसको हम इस तरीके से कंडीशन को हम डायमंड से दिखाते हैं। अब लूप की बात करें तो लूप में आप देखिए जैसे प्रोड्यूस ग्रेड रिपोर्ट, अगर ग्रेड रिपोर्ट प्रोड्यूस करना है तो आप क्या करेंगे, आप गेट स्टूडेंट ग्रेड, ग्रेड लेंगे स्टूडेंट का और कैलकुलेट कर देंगे जीपीए। तो ये बार 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 चलेगा, तो इस बार बार को दिखाने के लिए हम यू कर रहे हैं एरो। तो एक कर्व एरो ये रिप्रेजेंट करता है लूप को, जिस जिस लकीरों के पीछे, जिस जिस एरो के ऊपर ये लकीर, ये राउंड एरो जाएगा वो बार बार आइटरेट होंगे। तो ये जैसे इसमें दो मॉड्यूल रिपीट हो रहे हैं। एक स्ट्रक्चर चार्ट देखिएगा कैलकुलेट पे अमाउंट रूटीन का, तो इसमें क्या क्या दिखाया जा रहा है, एक आपका मॉड्यूल है, इनके सब मॉड्यूल्स है, यहाँ पर डेटा जा रहा है, यहाँ से डेटा आ रहा है। एक बड़ा पेरोल प्रोग्राम अगर देखा जाए तो हमने स्ट्रक्चर चार्ट बनाने की कोशिश की पूरे पेरोल प्रोग्राम का। इसमें आपको रिपीटेशन भी दिख रहा है, इसमें सब मॉड्यूल्स भी दिख रहे हैं, सब मॉड्यूल्स के भी सब मॉड्यूल्स दिख रहे हैं आपको, और साथ में सारी चीजें मैंने अभी बताई वो आपको यहाँ पर एक बार में दिख जाएगी। इसे हम कंप्लीट स्ट्रक्चर चार्ट कह सकते हैं। तो स्टेप्स क्या है, हम स्ट्रक्चर चार्ट बनाएंगे तब पहले आपको डीएफडी को रिव्यू करना पड़ेगा और उसमें से ऑब्जेक्ट मॉडल्स देखने पड़ेंगे।
फिर मॉड्यूल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है ये देखेंगे, उनके बीच में संबंध क्या है, फिर कपल्स, लूप और कंडीशन, जो मैंने अभी आपको चार पांच चीजें बताई वो सब देखेंगे, स्ट्रक्चर चार्ट को एनालाइज करेंगे, डीएफडीज को, और फिर उसके बाद डेटा डिक्शनरी को। डेटा डिक्शनरी वो होता है जहां पर डेटा स्टोर होता है, डेटा की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो हम समराइज करते हैं इसको, हम स्ट्रक्चर चार्ट में रिलेशनशिप दिखाते हैं मॉड्यूल्स के बीच में, स्ट्रक्चर चार्ट में क्या क्या चीजें होती है, स्ट्रक्चर चार्ट में मॉड्यूल होता है, डेटा कपल होता है, कंट्रोल कपल होता है, कंडीशन होता है, लूप होता है। मॉड्यूल में, मॉड्यूल ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम एक ऐसी चीज दिखाते हैं जो हमारा एक मिनिमम मैनेजेबल सोर्स कोड या कंटेंट है। डेटा कपल हमारा डेटा जो हम भेज रहे हैं यहाँ से वहां। कंट्रोल कपल होता है जब कुछ हो रहा है तो उसके हम एक फ्लैग भेज रहे हैं, जैसे एंड ऑफ फाइल हो गया, जैसे ओवरड्यू हो गया, या कस्टमर ने अपने पैसे जितने निकाल सकता है उससे ज्यादा निकालने की कोशिश की। कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन यानी कि अब जब आप एक से ज्यादा चीजों में जा सकते हैं किसी कंडीशन के बिहाफ पे, तो हम इस तरीके से दिखाते हैं। लूप में हम एरो करके दिखाते हैं कि भाई इस ये जो है, ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये कितने बार चलेंगे, ये रिपीट होंगे, सबऑर्डिनेट मॉड्यूल कितने बार चलेंगे, रिपीटेशन कितने बार होगा, वो लूप से दिखाया जाएगा। स्ट्रक्चर चार्ट ये डीएफडी और डेटा डिक्शनरी पे बेस्ड है। ये बहुत शॉर्ट एक डिस्कशन था स्ट्रक्चर चार्ट का। बहुत शुक्रिया, बात करवाई आप सभी की।